हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं ब्लूबेरी केक, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम कुकर को प्रीट करेंगे। मैंने इसमें नमक और कटोरी लगा दी है और कुकर की रिंग और सीटी निकाल दी है। अब हम कुकर को 10 मिनट के लिए प्रीट करेंगे। यहाँ मैंने मोल्ड को डस्टिंग और ग्रीसिंग कर ली है। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में तेल, दूध और शुगर पाउडर को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ब्लूबेरी एसेंस डालेंगे और इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब हम बाउल पर छन्नी रखेंगे और छन्नी में हम मैदा, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये सब डाल के हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी देख के हम इसमें दूध डालेंगे। लास्ट में हम इसमें विनेगर डालेंगे और इसे हम तुरंत मिक्स करके मोल्ड में डालेंगे। बैटर को मोल्ड में डालने के बाद हम इसे टैप करेंगे और प्रीट हुए कुकर में रखेंगे। अब हम केक को 30 मिनट मीडियम फ्लेम में बेक होने देंगे। अब टाइम हो गया है, हमारा केक अच्छी तरह से फूल गया है। हम इसे टूथपिक से चेक करेंगे। टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है। हमारा केक तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे और 3 कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसे 3 लेयर में कट कर लेंगे और शुगर सिरप से सोक करेंगे। सोक करने के बाद हम केक की एक लेयर लेंगे और इस पर विपक्रम डालेंगे। अब हम इस पर ब्लूबेरी का क्रश डालेंगे और इसे स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इस पर दूसरी लेयर रखेंगे और इस पर हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब हम केक की लास्ट लेयर लेंगे और इसको हम पूरी व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। यहाँ मैंने व्हाइट व्हिप क्रीम में ये वायलेट कलर डाल दिया था और इसे मिक्स करके केक पर लगा लिया था। यहाँ मैंने कलर व्हिप क्रीम को अच्छी तरह से इस पर लगा लिया है। अब हम इसे डिज़ाइन करेंगे। अब हम स्क्रैपर से इस केक को साइड से डिज़ाइन करेंगे। साइड से डिज़ाइन करने के बाद हम इसे नोजल से डिज़ाइन करेंगे। आप चाहे तो इसे कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे डिज़ाइन कर लिया है। अब हम इस पर गोल्डन बॉल और स्प्रिंकल से डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद हमारा केक तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।